दोस्तों देख सकते हो मार्ग में हम वापस लौट रहे हैं और कितनी बारिश हो रही है। हमारे भैया बहुत संभल कर गाड़ी चला रहे और टेंशन की बात नहीं, मेरे सामने मेरे महादेव है, डरने की कोई बात नहीं जब वो मेरे साथ है। दोस्तों पीछे बारिश की बहुत छाट थी और यहाँ सूखे का काल है, आप देख सकते हो अभी तो यहाँ पर शायद ये हाथ हिल रहा है, नागपुर है, काफी दूर है अभी तो। देख सकते हो दोस्तों दिलदार ढाबा, हम जाम सावली हनुमान जी का दर्शन करके आ चुके हैं, कुछ अल्पाहार वगैरह या कुछ खाना वगैरह खाते हैं। दोस्तों ये दिलदार ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट है, शाकाहारी स्वादिष्ट भोजनालय। चाबी किसके पास है? तो वहीं पे मिलते हैं खाने के टेबल के ऊपर, देखते क्या क्या है मेन्यू में वगैरह में, क्या क्या चीज है आप देख सकते हो। एक बार सकता हूँ भाई जी, हाँ बिल्कुल, एक तो रोटवेल डाल रोटवेलर को पाल रखा है, जैसे हमारे एक भाई जी है लोकेश यादव, उनने भी अपने होटल में ऐसा ही पाल रखा था। और ये भैया देसी स्टाइल अपने खाट पट्टी, हमारे रास्ता ना हरियाणा में ट्रक व्रक रुकते हैं ना उड़े, बहुत जोरदार रहता है, मैं खूब खाया हुआ ऐसी जगह ढाबा टाइप का। और देख सकते हो यहाँ मतलब बनता हुआ फ्राई वगैरह तंदूर वगैरह यहाँ पर चलता रहे, साहू जी खाना बनता है, उसके साथ आप बैठकर अगर फैमिली के साथ खाना खाना चाहो खाना भी खा सकते हो। और दूसरी बड़ी बात है आप क्रिकेट का भी आनंद ले सकते हो, क्रिकेट का आनंद ले सकते हो। इसके अलावा वेंडर मशीन है यहाँ से, आप कोक वगैरह पेप्सी वगैरह भैया कुरकुरे वगैरह बच्चों के लिए नमकीन वगैरह भी। और ये दिखा रखा है इनका पूरा, कौन है? हाँ अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम रामदेव काठोके। रामदेव काठोके, तो ये आपका जो दिलदार होटल अपना है कितने मतलब साल पुराना है आपका? ये है 33 साल पुराना। 33 साल पुराना, तो ये कौन सा रोड है मतलब? ये नागपुर का, नागपुर सावने रोड के ऊपर है ये दिलदार होटल। और ये क्या फन सिटी, इसका बाजू से यही रास्ता जा रहा है? फन प्लेनेट का जो मतलब स्विमिंग पूल वगैरह के जो चित्र में खैर दिख रहा है कॉर्नर के ऊपर है। आप मतलब शुद्ध शाकाहारी खाना देते हो? शाकाहारी मांसाहारी दोनों। अच्छा, दोनों वेज नॉन वेज दोनों मतलब आप देते हो, तो मतलब आपका मेन्यू कार्ड वगैरह रखे हो थोड़ा सा दिखाने के लिए क्या कैसे? और कितना से कितना बजे तक रहता है आपका ये होटल? ये रहता है 11 बजे तक 12 बजे तक। अच्छा, नाइट का 11-12 बजे तक मिल जाता है। मॉर्निंग में कितना बजे? मॉर्निंग में सवेरे 10 बजे खुलता है। 10 बजे खुलता है आपका, तो नाश्ता वगैरह भी रखते हो या खाना? सिर्फ खाना। तो खाने के अंदर जैसे आप जो जो ऑर्डर है तंदूरी रोटी नॉन वगैरह सब खाने के? अच्छा, वो खाने सबका वो सब देते हो, तो मतलब आप थाली सिस्टम भी रखते हो या वैसे? नहीं, प्लेट सिस्टम मतलब आप पर प्लेट सब्जी वगैरह मंगाते रहो खाते रहो, थाली नहीं रखा किसी का? थाली वगैरह सिस्टम नहीं रखा आपने जैसे थाली वगैरह खाते? अच्छा, तो जैसे अगर कोई कैंडिडेट बोलते हैं कि दादा थाली का सिस्टम नहीं है वेज के अंदर, वो भी नहीं रखे हो? अच्छा ठीक है। तो दोस्तों अभी हम दादा जी से मिले, इन्होंने हमको बताया था जितना भी इनका होटल में जैसा सिस्टम चलता है, तो आपको हमने बताया है कहीं बाद में आपको धोखा नहीं हो आप यहाँ पर खाने के लिए रुके, तो आप लोगों के सामने बंदा है ना मेरी वीडियो बनाने में लग रहा है ये भाई जी मेरी बनाने में लग रहा है, और ये अपना दूसरा है ईसन, और अपना दूसरा कहाँ गया? दूसरा भाई कहाँ गया? ये अपने बल्ली भैया है, शॉर्ट नेम भल्लू, और मोनू भैया है जो अंदर की तरफ गए हैं। तो दोस्तों खाने में क्या क्या मंगाया मुझे तो पता नहीं, इनको पता है क्या क्या यहाँ फेमस है और क्या क्या टेस्टी है, तो यही लोग मंगा रहे हैं अपन तो खाने वालों में से। दोस्तों ये होटल के अंदर का सीन है, आप देख सकते हो यहाँ पर मतलब अंदर का जो कपल या फैमिली वगैरह है वो अंदर यहाँ बैठ कर, नाइट का समय खैर वो तो अंधेरा कर रखा वरना लाइट वगैरह पंखे सब चल जाते। दोस्तों अब हम खाने पीने बैठ चुके हैं, आप लोगों के सामने दिखा दूं।
ये क्या दबावने में लग रहे हैं? बहुत स्वादिष्ट है भाई। आपको दिखा सकते हैं क्या क्या आइटम है? ये रखो दाल मखनी वगैरह, ये तो चिप्स के साथ खा रहा है। और भाई भी लगे पड़े हैं खाने पीने में, उधर भी बैठे पड़े हैं, उधर भी बैठे पड़े हैं। आ गया तो दोस्तों खाने पीने का यार एंजॉय करते हैं। आपको बता दिया था एड्रेस है कैसे आकर आप एंजॉय करना। अभी मैं थोड़ा सा टेक केयर भाई जी रोटी। तो आप इसी का ही मतलब ये ढाबा है और इसके जस्ट बाजू का ये लोन है, तो आप फैमिली देख सकते हैं। बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से क्या बताया यार, खाना खाया हमने, दाल मखनी ली, दूसरे भाई वगैरह ने नॉन वेज ऑर्डर करा। तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर संतरे का झाड़ है ये छोटा सा, और ये जो खजूर का है, और इसके मतलब बैठने की व्यवस्था बड़ी शानदार है। क्या ठंडी ठंडी हवा रोड के साइड में, ये देखने का नज़ारा बड़ा शानदार है। तो आप एक बार आओ तो यहाँ पर खाना खा कर जाना, दिलदार ढाबा का नाम है। और भैया इन्होंने हाई फाई नस्ल भी पाल रखी है, ये जितने दिलदार है ना देख सकते हो, इनने ढाबे के ऊपर दो मोटे मोटे, एक तो एक ग्रेडेन और रूट वेलर ऊपर आगे तरफ जो, हाँ वो तो खुला है, वो फ्रेंडली है, इसको बांध रखा है भैया। ये इसका जबड़ा बहुत शार्प रहता है, पकड़ कर एक बार में हड्डी बाहर निकाल देता है। और देख सकते हो एक बार आपको सामने फिर से दिखा देता हूँ, ये दिलदार ढाबा, ये हमारे बल्ली भैया। ये हकीकत में बल्ली की शिकल ढाबे वाली की सी लगती है। अगर नहीं